गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं लेके आई हूँ ITC का एक और नया प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फूड रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है ये ITC सनबीम का बीटन कॉफी। तो इसकी पैकेजिंग आप देख ही रहे हैं, दोनों साइड से ये ग्लास का है ना, तो मतलब ये पूरा बॉटल ग्लास का है, तो दोनों साइड से आपको कॉफी दिख रहा है। सामने ये ब्राउन कलर की लेबलिंग है, बैक साइड पे भी ब्लैक कलर की लेबलिंग है, ब्लैक नहीं है ये, डार्क ब्राउन कलर की लेबलिंग है। एंड इसकी जो MRP है वो है 250 रुपीज़। एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 250 ग्राम्स। और इसकी जो बेस्ट बिफोर है उसकी एग्जैक्ट डेट दी गई है 28/6/2022। उस हिसाब से इसकी शेल्फ लाइफ हुई 7 मंथ्स की। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है शुगर, इन्वर्ट सिरप, ग्लूकोज सिरप, सॉल्युबल कॉफ़ी पाउडर, वाटर। एंड इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग में दिए गए हैं, जिसमें एनर्जी है 341 kcal, प्रोटीन 2.8, कार्बोहाइड्रेट है 82.4 ग्राम्स, ऑफ इट शुगर 62.5 ग्राम, फैट है 0। और ये जो सारी वैल्यूज़ है वो अप्रॉक्सीमेट है, ये सब आपको डिटेल्स पीछे साइड पर मिल जाएगा। एंड ये जो बीटन कॉफ़ी बनाने का तरीका है वो ऊपर लिखा है, 1 टेबल स्पून आपको ये लेना है कॉफ़ी एंड 1 कप हॉट मिल्क, और इसको मिक्स करना है एंड दैट्स इजी। ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है ये कॉफ़ी बनाने का। तो ये इधर लिखा हुआ है प्रोसेस टॉप पर। तो इसमें लिखा है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वेरिएशन में रिजल्ट इन फूड आर्टिकल्स डार्कनिंग, दिस विल नॉट इम्पैक्ट इट्स फिटनेस फॉर कंजम्पशन। तो मतलब आपके आसपास का जो टेम्परेचर वगैरह है उसे इसके कलर में कुछ फर्क हो सकता है, पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो टेस्ट पे कमेंट हम इसको पीने के बाद करेंगे। तो चलो पहले इसको रेडी करते हैं, पर उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस प्रोडक्ट के बारे में हर डिटेल पता चल सके। तो अब चलो चलते हैं किचन में और उसको करते हैं रेडी। तो गाइज हम आ गए हैं किचन में और हमने दूध अपना जो है ना वो गर्म होने चढ़ा दिया है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था एक कांच की बॉटल है, उसके अंदर ये पैकेजिंग है इसमें, एंड अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, तो अब हम देखते हैं अपना ये कप। मैंने ट्रांसपेरेंट लिया है ताकि आपको इजीली कलर विजिबल हो पाए। एंड तो ठंडा मौसम है इस वजह से शायद ये जम गया है, तो इतना सा लिया है मैंने। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ये है हमारी क्वांटिटी, काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है। आपको अगर याद हो हम लोगों ने डालगोना कैंडी ट्राई की है लास्ट लॉकडाउन में, उसके जैसा ये फोम जैसा बन गया है। तो अब बस हमारा दूध हीट हो गया है तो हम इसमें इसको ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने इसका बढ़ा दिया बिकॉज वो 1 टेबल स्पून जैसा लग नहीं रहा था। एंड हमारा दूध अच्छे से एकदम बॉईल हो गया है तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं दूध को भी। तो दूध ऐड हो गया है, अब इसको मिक्स करना है हमें, फिर हमारी कॉफी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड बहुत ही इजीली मेल्ट हो रही है। तो अब चलिए चलते हैं रूम में और इसको करते हैं टेस्ट। देखिए डिजॉल्व हो गई है, थोड़ी ही बची है। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। तो अब चलो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमारी कॉफी रेडी हो चुकी है एंड आप देखिए इसको सिर्फ मिक्स किया है एंड ऊपर से थोड़ा सा फोम टाइप का बन गया है इसमें, एंड कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है इसका, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो। अब हम इसको टेस्ट करते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, मुंह जल जाएगा क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म किया था मैंने। तो इसको स्पून से ही टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी थोड़ा टाइम देते हैं इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो करती हूँ मैं इसको ट्राई बट स्पून से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। Thank you.
इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, मतलब एकदम स्ट्रांग नहीं है बट हाँ बहुत ही सही है। आप एक टेबल स्पून एक कॉफ़ी में बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा आएगा। एंड जैसी वो मिक्स की हुई ना फेटी हुई कॉफ़ी होती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। बट इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा था कि इसमें शुगर है, पर इसको बनाने के टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला था कि उसमें शुगर ऐड करनी है या कुछ भी। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लो, बिकॉज इसमें कोई भी मीठा टेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें मीठा बिल्कुल नहीं है, एकदम हल्का हल्का सा है। तो आप चाहो तो दोनों तरह से ही कर लेना टेस्ट, एक बिना शुगर के एक शुगर के साथ। मुझे लगता है ये शक्कर मिला के थोड़ी और अच्छी लगेगी। तो बाकी ओवरऑल इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसा बीटन कॉफ़ी का होता है, थोड़ा सा फोमी एंड थोड़ा सा क्रीमी, बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना आपको कैसा लगा। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके जाना, और इस वीडियो को अपने पूरी फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आप क्या और चैनल पर देखना चाहते हो और आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फूड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग योर फूड।